नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, यह है पार्ट टू। अगर आपने कहीं पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट वन का लिंक क्लिक करिए, पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट वन के डिस्क्रिप्शन में पार्ट टू का यही लिंक वापस क्लिक करके पार्ट टू देखिएगा। क्योंकि पार्ट वन में जो बात बताई गई है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे काम करता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ईस्ट्रोजन गायनेकोमास्टिया कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ कैसे करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेयर से लेके स्किन तक क्यों कैसे काम होता है वो जानना जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो आगे क्या समझा रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन और क्या डिक्रीज करता है एक्चुअली, असली बात अब शुरू होगी। सो देखते रहिए ये चैनल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज कौन करता है, बिफोर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग फैक्टर्स। डिक्रीजिंग फैक्टर्स में नंबर वन है एज। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। जब आप 60 की उम्र में पहुंचेंगे तो आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है 20% तक कम हो जाएगा। 35-40 की उम्र, 39-40 की उम्र के बाद 1% हर साल कम होता है टेस्टोस्टेरोन। सो उम्र एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर टेस्टोस्टेरोन कम होने का है मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी। जितने आपका पेट है, जितना बड़ा आपका पेट है उतना ही आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है। इंसुलिन सेंसिटिविटी से साथ साथ डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल इंबैलेंस हो रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है और शुगर लेवल बढ़ रहे हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन टेस्टोस्टेरोन के लिए बिल्कुल खराब है, टेस्टोस्टेरोन इससे कम होता है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये टेस्टोस्टेरोन खराब करेगा। आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ही नहीं होगा। जितने दिन आप डिप्रेस्ड होंगे, जितने लंबा डिप्रेशन, जितना लंबा स्ट्रेस, उतने टेस्टोस्टेरोन कम। रिमेंबर दिस। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कम कर देते हैं। और डेली बेसिस पे सुबह शाम टेस्टोस्टेरोन नहीं निकला तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम 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 होता जाएगा, यह हमने पिछले वीडियो में देखा। ठीक। सो टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाफ लाइफ उसका 10 से 100 मिनट ही है, बस टेस्टोस्टेरोन आधा हो जाएगा उसके बाद। सो स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर। सो तीसरा हुआ स्ट्रेस। चौथा फैक्टर आपका है डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज। यस, अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, विटामिन ए की, जिंक की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की, सो इन सब की डेफिशिएंसी से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ हद तक कम हो जाएगा। ठीक। सो टेस्टोस्टेरोन चौथा। ये पांचवा फैक्टर है दवाइयां, मेडिकेशन, हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां या मेडिकल दवाइयां जो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक टी आती है जिसको कहते हैं स्पर्मिंट टी। स्पर्मिंट टी एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करती है, राइट। ऐसे और भी कई है, आप चाहो तो अलग से देख सकते हो, राइट, रिसर्च करके। और छठा फैक्टर है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एंड्योरेंस एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम हुआ ऐसा देखा जाता है। जी हाँ, रिसर्च ये कहती है। तो बढ़ाता कौन है? ये सारी बात हुई कम करने वाली, तो बढ़ाएगा कौन, राइट? थोड़ा सा कम करने वाला फैक्ट अब मैं इसमें भी बताऊंगा, लेकिन अब बढ़ाने की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है आपका, फर्स्ट सबसे बड़ी चीज जो है वो है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एंड्योरेंस नहीं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो शाम को की जाती है, इवनिंग एक्सरसाइज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में ऑलरेडी एक बूस्ट होता है आपका, मॉर्निंग में ऑलरेडी बूस्ट होता है सर्केडियन रिदम का, जो 6 से 10 के बीच में, 8 बजे के आसपास एक टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। इवनिंग में एक्सरसाइज करते और बूस्ट होता है, सो ऑन एन एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स द आइडिया। बिगिनर जो नए नए एक्सरसाइज करने लगे हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा बूस्ट होता है छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। जो ज्यादा एक्सरसाइज कर चुके हैं, एडवांस लेवल में है, एक्सपीरियंस्ड है, उनमें बूस्ट थोड़ा कम होता है लेकिन ज्यादा समय रहता है। सो दैट्स द आइडिया। ये हुआ। फिर बात करें
कंपाउंड और आइसोलेटेड वर्क की। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में जितनी ज्यादा मसल्स एक्ट कर रही है, जितना ज्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना बढ़ता है। जितनी आइसोलेटेड एक्सरसाइज, जितना कम वेट उठा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना कम बढ़ता है। और ओवर वर्कआउट, राइट, ओवर एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोग ओवर वर्कआउट करते हैं। इंडिविजुअल मसल की भी बात आ रही है यहां पे। कई बार एक ही मसल को रोज वर्कआउट करने से उस मसल का ओवर वर्कआउट है, वो मसल में स्टिमुलेट ओवर वर्कआउट की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। बाकी बॉडी को देख के समझ सकते हो। सो ओवर वर्कआउट किसी भी मसल का नहीं करना है। ओवर वर्कआउट कैसे पता चलेगा? अगर आपका किसी मसल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, सोर ज्यादा ही हो रहा है आफ्टर वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, तो वो ओवर वर्कआउट का साइन है। या फिर आपकी रिकवरी स्लो हो रही है, आपको ट्रबल हो रहा है रिकवर होने से एक्सरसाइज से, वो ओवर वर्कआउट का साइन है। या आपको नींद नहीं आ रही, ओवर वर्कआउट का साइन है। या फिर आपकी स्ट्रेंथ उस मसल की पहले से कम हो गई है, पहले जितना उठा सकते थे अब उतना नहीं उठा पा रहे, स्ट्रेंथ कम हो गई है, ये साइंस हैं ओवर वर्कआउट के। ओवर वर्कआउट करोगे तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। अभी तक देखिए कितने सारे फैक्टर हो गए। अगर वो सारे फैक्टर कम करने वाले में से कुछ है, ओवर वर्कआउट भी है, तो भी टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, फिर रिजल्ट नहीं मिलते, राइट। दूसरा बड़ा फैक्टर जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का आपके अंदर है वो है स्पर्म कॉम्पिटिशन। जी हाँ, जितना आपका सेक्सुअल फीलिंग्स है, ऑब्वियसली ये सेक्स हार्मोन है तो सेक्सुअल फीलिंग्स उसको बढ़ाएंगी। जितने आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ेंगी, जितने आप अराउज होंगे, जितने आपके अंदर डिजायर्स बढ़तेंगे, उतना ही आपके अंदर की जो मोटिवेशन है, जो आपके अंदर की कॉम्पिटेटिवनेस है वो बढ़ती। कॉम्पिटेटिवनेस स्पर्म कॉम्पिटिशन से आपकी इच्छा बढ़ती है कि मैं दूसरे से अच्छा दिखूं ताकि वो मुझे चुने, वट एवर इट इज, उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं स्पर्म कॉम्पिटिशन से। इवन सेक्स करने से, मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं। ये हमने बूस्ट सीरीज में भी देखा है। हमारी बूस्ट सीरीज छोटे चैनल में, एफएक्यू चैनल में है, अगर आप नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाके। दो वीडियोज इस चैनल में भी हमने डाले हैं आपके लिए ताकि आपको पता चले। और सो सेक्स करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, फीलिंग से, अराउजल से, मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फीलिंग्स, योर अराउजल। इफ यू आर नॉट अराउज, अगर आपके सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं और बिना एक्साइटमेंट के सेक्स हो रहा है, मैस्टरबेशन हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। एक्साइटमेंट इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिवनेस इज इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। सो मोटिवेट होना जरूरी है, फीलिंग होना जरूरी है। एक और फैक्टर बता देता हूं, पॉर्न, इरोटिक मूवीज। इरोटिक मूवीज देखने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, अराउजल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स में कि 30-35% इंक्रीज हुआ है टेस्टोस्टेरोन लेवल 30 से 90 मिनट के बाद, जब पॉर्न मूवीज या इरोटिक मूवीज देखी गई, और नॉर्मल मूवीज के बाद वो नहीं इंक्रीज हुआ। सो ये भी बात है, सच बात है। और जहां तक बात ये कर रहे हैं, एक और चीज इससे एसोसिएटेड है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम भी करती है, वो कम जो करती है वो है आपका अगर कमिटेड रिलेशनशिप है। कमिटेड रिलेशनशिप में स्पर्म कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स और अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो उस केस में आपका स्पर्म कॉम्पिटिशन कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। लव, केयर, मैरिज, बींग अ फादर, है ना, बाप बनने के बाद, शादी के बाद, या प्यार करने पे बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर में, इसके साथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े कम हो जाते हैं, बूस्ट कम हो जाते हैं। हमेशा के लिए नहीं, इसका भी एक टेम्पररी है, ये टेम्पररी होता है, एक साल से ज्यादा 4 साल तक, हनीमून फेज कहते हैं इसे। 4 साल के बाद देखा गया है शादीशुदा लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस शादी के पहले जितने नॉर्मल आ जाते हैं। सो ये हनीमून फेज है टेस्टोस्टेरोन लेवल का, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सेक्स के बाद जो आपका ऑर्गेजम होता है, मैस्टरबेशन के बाद ऑर्गेजम होता है, उसके बाद एक हार्मोन आता है जो कहते हैं ऑक्सीटोसिन, वो लेवल बढ़ जाते हैं मेल्स में भी फीमेल्स में भी, जिससे आपको नींद आती है, ऑक्सीटोसिन से नींद आती है, वो ऑर्गेजमिक हार्मोन हुआ। और उस हार्मोन के आपका एक्चुअल देखा गया है लव और डिजायर स्टिमुलेट होता है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऑक्सीटोसिन टेस्टोस्टेरोन कम नहीं करता, वो लवर डिजायर बढ़ा सकता है, वो बढ़ेगा, हो सकता है उससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन कम, लेकिन वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और एक बात बता दूं, ये जो लव की बात करी, ये लव एक्चुअली फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है और मेल्स में कम कर देता है, ये ऑपोजिट है, ठीक है।
और इसमें बॉन्डिंग एक्टिविटी की अगर बात करें कि अगर आप बॉन्डिंग एक्टिविटी घूम रहे फिर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं जेस्चर्स, उन बॉन्डिंग एक्टिविटी से टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बढ़ता है ना कम होता है, राइट। योर एक्साइटमेंट मैटर्स, योर अराउजल, स्पर्म कॉम्पिटिशन मैटर करता है इसमें। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है आपकी मोटिवेशन से, आपकी स्पर्म कॉम्पिटिटिवनेस से, और जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है उतना ही आपके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं, आप और ज्यादा मर्दाना होते जाते हो, मर्दाना के साथ आप में एग्रेशन भी आता है, कई दफा इसके बाद क्रिमिनल टेंडेंसी भी आ जाती है। बहुत ही ज्यादा जो टेस्टोस्टेरोन लेने लग जाते हैं उनमें क्रिमिनल टेंडेंसी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की टेंडेंसी, डिवोर्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ये भी सच्चाई है, और अल्कोहलिज्म की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और अल्कोहल ज्यादा मात्रा में आपका टेस्टोस्टेरोन कम करता है, ये भी एक फैक्टर है, मैं भूल गया बताना, कम मात्रा में अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। कैन यू इमेजिन, कम मात्रा में लो डोज, वेरी लो डोज अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, ज्यादा मात्रा में कम करता है, बिकॉज ज्यादा मात्रा में आपकी नींद हराम करता है, आप सोते भी हो ज्यादा दारू पीने के बाद तो बहुत डीप स्लीप नहीं सोते, ये मैं अल्कोहल वाले वीडियो में बताया, और यही डीप स्लीप आपका तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, डीप स्लीप, REM स्लीप, स्टेज 4 जो है स्लीप का, REM स्लीप जो है, जो डीपेस्ट फेज है, उस स्लीप में आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, वहां टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, और ये आप पहुंचोगे नहीं अगर आपने बहुत ज्यादा पी रखी है उतनी डीप, राइट, लो डोज में हो जाएगा, हैवी डोज में नहीं। सो दैट्स द आइडिया, टेस्टोस्टेरोन तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है REM स्लीप, और चौथा फैक्टर है वेट लॉस। वेट लॉस, अगर आपका वजन कम होता है, जैसे जैसे वजन कम होगा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, वजन कम करने के लिए ऑब्वियसली डाइट एंड एक्सरसाइज करनी होगी, एक्सरसाइज करिए, डाइट रखिए, बढ़िया डाइट, डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, टेस्टोस्टेरोन हाई, तो चौथा फैक्टर हुआ ये। पांचवा फैक्टर है विटामिन्स, विटामिन ए, डी, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, और फिर आप इसके सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होंगे, अगर डेफिशिएंसी नहीं थी फिर ले रहे हो तो कुछ बूस्ट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। फिर ऐसी ही बात करते हैं छठी चीज कि लोग कहते हैं इतनी सारी चीजों से बूस्ट होता है, ये हर्ब, वो हर्ब, वो सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, किससे होता है किससे नहीं होता? अश्वगंधा से बूस्ट होता है, अश्वगंधा से बूस्ट होता है, शिलाजीत से बूस्ट होता है। अश्वगंधा और शिलाजीत जो है बेसिकली आपके मेल जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? वो बेसिकली आपकी बॉडी के उन ऑर्गन्स में, बल्कि कई सारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं और आपके स्ट्रेस एंजाइटी कम कर देते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी कम करना और ब्लड फ्लो बढ़ा देना उन ऑर्गन्स में, एक तरीके से उन ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचेगा तो वो अपना काम बेहतर करेंगे, इसीलिए आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। डायरेक्टली नहीं बढ़ाते हैं, इस तरह बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है कम करने के लिए, कम करने वाला कम कर दिया और ब्लड फ्लो बढ़ा दिया तो होगा, इसीलिए अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों काम करते हैं। ट्रिबुलस गोक्षुरा जो है वो नहीं काम करता, ये प्रूवन है इन रिसर्च कि गोक्षुरा खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ते हैं। गोक्षुरा से लिबिडो जरूर बढ़ सकता है, सेक्स की इच्छा बढ़ सकती है, लिबिडो जो है, लिबिडो टेस्टोस्टेरोन के अलावा और भी चीजों से बढ़ता है, जैसे ईस्ट्रोजन से भी लिबिडो बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन से भी लिबिडो बढ़ता है। सो लिबिडो और टेस्टोस्टेरोन, वैसे टेस्टोस्टेरोन से भी बढ़ता है लेकिन जरूरी नहीं कि लिबिडो बढ़ रहा है तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ रहा है, रिमेंबर दैट। तो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा, वो बढ़ रही है तो गोक्षुरा से लिबिडो बढ़ता है, रिमेंबर दैट। उसके बाद तीसरी चीज कई लोग कहते हैं कि कई जड़ी बूटियां हैं और इवन खाने पीने की चीजें हैं, जिंजर है, मेथी है, अदरक है, इनसे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं बढ़ता। ऑब्वियसली ये अच्छी चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, इनसे आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ये सब चीजें कम होती है तो थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, हेल्दी रहोगे, हेल्दी चीजें खाओगे तो अच्छा रहेगा, दैट इज द आइडिया हियर। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा बूस्ट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डी एस्पार्टिक एसिड। डी एस्पार्टिक एसिड से एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। एस्पार्टिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिल जाता है, वेजिटेरियन में भी है। सो कई लोग जो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उनको ऑलरेडी एस्पार्टिक एसिड, डी एस्पार्टिक एसिड मिल जाता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट भी आपका बढ़िया टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। हाई प्रोटीन डाइट एंड एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करती है।
और लास्ट में डीएचईए। डीएचईए एक प्रो ड्रग है जो ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बनाता है, तो ऑब्वियसली वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, बट वो कोई ये नहीं है, दवाई की बात हो गई। तो ये सारी चीजों से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट होते हैं, जैसे कि हमने बताया था। लास्ट में हम बात करेंगे आपके साथ कि कैसे टेस्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको नहीं पता आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, तो वो टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट होता है, सीरम फ्री एंड सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये टेस्ट होगा सुबह सुबह। खाली पेट की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट है, 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में आपको ब्लड लेना है, ब्लड देना है। 6 बजे से 10 यानी 8 बजे आप ब्लड दे दो, राइट। और ये 2 सैंपल फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना है। फ्री 2% ही होता है और बाकी सारा टोटल होता है। टोटल की वैल्यू मेन होती है। टोटल की नॉर्मल वैल्यू है 19 साल से लेके 39 साल तक, 19 टू 39 की एज के बीच में ये नॉर्मल वैल्यू पड़ती है अराउंड 260 से लेके 916 तक, 1000 तक भी मान लो, 260 से 1000 तक के बीच में होती है। ऑन एन एवरेज 630 होती है। और एक उम्र के बाद 35-40 की उम्र के बाद 1% पर ईयर कम होता जाता है, ये भी जरूरी समझिए। और इसी का 2% फ्री होता है, 2% to 1% to 2%। अगर बहुत ही कम है फ्री लेवल, तो आपके अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ चुका है, राइट। सो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि क्यों क्या गड़बड़ हो रही है। और फीमेल की बात करी जाए, तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं ऑन एन एवरेज बहुत ही कम, 20 गुना कम, अराउंड 32। तो ये हुआ पूरी कहानी, किस्सा कहानी टेस्टोस्टेरोन का। तो अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत सारे लोग पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पे, तो पहले बेसिक क्लियर करो। पहले सबसे पहले देखो कहीं आप मोटे तो नहीं हो, मोटे हो तो टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा जब तक वजन कम नहीं करोगे। दूसरा देखो आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है, अगर वो है तो उसको ठीक करो, ठीक से नींद लो, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करो, विटामिन लेवल्स चेक करो, अगर कम है तो सप्लीमेंट लो, नींद अच्छी लो, दारू ज्यादा नहीं पीना, सिगरेट बीड़ी तंबाकू मत पियो, हेल्दी रहोगे तो ही हेल्दी जियोगे। खून की सप्लाई कम हो जाती है सिगरेट बीड़ी से, तो वो भी खराब है, टोबैको खराब है। वेट लॉस करो, अश्वगंधा ले सकते हो, शिलाजीत ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट। और इन सब चीजों से होता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। जिनको रेफरेंस चाहिए, नीचे रेफरेंस में हमने लिंक्स दिए हुए हैं। और पहला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको समझेगा कि टेस्टोस्टेरोन काम कैसे करता है। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, ताकि मुझे पता लगे मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। अगर काम पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए और दूसरों से भी दबाइए, क्योंकि सही नॉलेज बांटना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।